गाइस आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में का क्वेश्चन नंबर 4 सिखाने वाला हूँ फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर पीयूष एंड मिस्टर अरुण यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट पर्टिकुलर्स डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड स्टॉक है ट्रेडिंग अकाउंट परचेस ट्रेडिंग अकाउंट सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट फ्रेट ट्रेडिंग अकाउंट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस सन्ड्री आइटम्स एसेट फर्नीचर एसेट लीज होल्ड प्रॉपर्टी एसेट इन्वेस्टमेंट एसेट ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 ईयर्स हम लोग को कितना चाहिए 1 ईयर का तो इसका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा एसेट साइड और 2 ईयर्स का हम लोग माइनस करेंगे इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस बैड डेब्ट्स RDD का रूल फॉलो करेंगे बाद में डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस कैश इन हैंड कैश एट बैंक फिक्स डिपॉजिट एक इधर जाएगा एसेट में जाएगा बाद में देखेंगे कैपिटल अकाउंट पीयूष एंड अरुण पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी इंटरेस्ट रिसीव ऑन फिक्स डिपॉजिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट बाद में एडजस्टमेंट देखेंगे हम लोग स्टॉक ऑन हैंड 31st March 2019 वॉज कॉस्ट प्राइस ₹40,000 एंड मार्केट प्राइस इज ₹35,000 विच एवर इज लोअर क्या है 35,000 तो उसका सेकेंड इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और सेकेंड एसेट साइड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1,200 इज स्टिल रिसीवेबल तो ऐड करेंगे फिक्स डिपॉजिट में सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाद में प्रोवाइड RDD एट 2.5% सनरेटर्स RDD से 2.5% माइनस करेंगे बाद में RDD क्या करेंगे ऐड करेंगे किसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड डेप्रिसिएशन फर्नीचर बाय 5% तो क्या करेंगे फर्नीचर में से माइनस करेंगे और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड गुड्स ऑफ 8,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर आपको इसका वर्किंग नोट बताता हूँ एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹6,000 ओनली तो 8,000 डिस्ट्रॉय हो गया है क्लेम कितना किया है ₹6,000 किया है तो बचा कितना 2,000 लॉस हुआ तो फर्स्ट इफेक्ट किधर जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सेकेंड इफेक्ट एसेट थर्ड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड अभी हम लोग का पूरा हो गया है देखो मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हुए वाला गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹6,000 ओनली डिस्ट्रॉय कितना हुआ है 8,000 क्लेम कितना किया इंश्योरेंस का 6,000 तो बचा कितना 2,000 क्या हुआ लॉस बाय 5 तो फर्स्ट इफेक्ट किधर जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा एसेट थर्ड इफेक्ट किधर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड अभी हम लोग का पूरा हो गया है अभी हम लोग प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाद में बैलेंस शीट तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सब पूरा ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी एंट्रीज आते हैं पूरे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक कितना बोला है 30,800 देन टू परचेस 80,000 टू वेजेस 7,500 टू कैरेज 3,000 टू रॉयल्टीज 2,500 टू फ्रेड
700। अभी हम लोग का डेबिट साइड हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट का भी क्रेडिट साइड देखेंगे। बाय सेल्स कितना बोला है, 1,20,000। बाद में कुछ दिया है नहीं, तो दो लाइन लीव करके छोड़ के नीचे स्टार्ट करते हैं। बाद में देखेंगे टू डिस्काउंट 1,800, टू सैलरीज 5,000, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,050, टू बैड डेब्ट कितना दिया है हम लोग को, 500 दिया है। हम लोग को ज़्यादा कुछ आईडी, ओल्ड आईडी नहीं, न्यू आईडी कुछ ज़्यादा नहीं दिया है, इसके लिए हम लोग एक ही लीव करेंगे। सिर्फ एडजस्टमेंट में दिया गया है आईडी, वही सिर्फ ऐड करना है, बाद में दिखाएंगे आपको। मैं बाद में देखते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ₹3,450, टू एडवर्टाइजमेंट कितना बोला है, 30,000। आपको हम लोग को उसने 3 years का बोला है, तो हम लोग को सिर्फ कितना चाहिए, 1 year का, तो 2 years का हम लोग लेस करने वाले। तो देखेंगे इधर बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट कितना वाला है, 1,000। इधर भी एडजस्टमेंट है तो एक लाइन लीव करते हैं। बाद में देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो देखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, फ्यूज कितना बोला है, 80,000, और अरुण कितना बोला है, 80,000। बाद में देखेंगे सनरी, सॉरी इसमें हो गया अभी हम लोग का, अभी देखेंगे पूरा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जो कुछ रहेगा वो सब पूरा कर लेते। तो पहला लाइन लिखते हैं कैपिटल अकाउंट, उसमें आएगा पीयूष और अरुण। बाद में देखेंगे सनरी क्रेडिटर्स दिया है, कितना दिया हुआ है, 20,500। बाद में दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, एडजस्टमेंट है कोई नहीं है, तो इसके लिए डायरेक्टली लिख रहे हैं। बाद में देखते हैं इधर एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है, 15,000। बाद में लीज होल्ड प्रॉपर्टी 25,000। देन देखेंगे फिक्स डिपॉजिट, कितना बोला है, 15,000। एक एडजस्टमेंट इसके लिए एक लाइन लीव कर रहे। बाद में देखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर दिया 20,200, इसके लिए एक लाइन लीव करेंगे एडजस्टमेंट इसके लिए। बाद में देखेंगे सनरी डेटर्स 43,000, सिर्फ आरडीडी का एक एडजस्टमेंट इसके लिए एक लाइन छोड़ देते हैं। बाद में कैश इन हैंड कितना बोला है, 7,000। बाद में बोला कैश एट बैंक
20,000 बाद में कुछ नहीं दिए, अभी हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे पूरे एक एक करके। तो पहला आपको एडवर्टाइजमेंट का करवा लेता हूँ, सबसे इजी वाला। हम लोग को दिया एडवर्टाइजमेंट 30,000, कितना ईयर्स का दिया है, थ्री ईयर्स का दिया, तो हम लोग को चाहिए सिर्फ 1 ईयर का, मतलब लेस प्रीपेड कितना हुआ 20,000, बचा कितना 10,000। तो यार सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 20,000। तो अभी हम लोग का हो गया, तो फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट से देखेंगे। स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वॉज कॉस्ट ऑफ प्राइस ₹40,000, मार्केट प्राइस 35,000। आप लोग को बोला तो जो कम रहेगा वो लेंगे, तो लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, किधर है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, कितना 35,000। और सेकेंड इफेक्ट एसेट क्लोजिंग स्टॉक 35,000। देन नेक्स्ट देखेंगे इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ₹1,200 इज स्टिल रिसीवेबल, तो ऐड करेंगे इंटरेस्ट कितना बोला है 1,200, तो कितना हुआ 16,200। और सेकेंड इफेक्ट भी ऐड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट रिसीवेबल बोला है वही लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल, कितना बोला है 1,200, तो कितना होता है टोटल 2,200। बाद में थर्ड वाला देखेंगे प्रोवाइड RDD एट 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, तो क्या करेंगे 2.5% निकालेंगे सन्ड्री डेटर्स का, तो कितना आता है लेस RDD एट द रेट 2.5%, मतलब 43,000 इंटू 2.5%, तो आता है 1,075। तो माइनस करेंगे 43,000 में से, तो कितना बचता है 41,925। और सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, बैड डेब्ट्स में एड RDD, क्या है न्यू RDD है, कितना है 1,075, टोटल कितना हुआ 1,575। हो गया थर्ड वाला एंट्री भी। बाद में फोर्थ वाला एंट्री डेप्रेशन फर्नीचर बाय 5%, तो क्या करेंगे लेस डेप्रेशन एट द रेट 5%, तो 20,000 इंटू 200 इंटू 5%, तो कितना आया 1,010। तो माइनस करेंगे इसमें से तो 19,190। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना है 1,010। देन नेक्स्ट गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹6,000 ओनली। आपको पहले ये वर्किंग नोट में बताया था, तो फर्स्ट इफेक्ट किधर आएगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कितना 8,000। बाद में सेकेंड इफेक्ट किधर, एसेट में इंश्योरेंस क्लेम कितना किया है 6,000, लॉस बाय फायर 2,000। अभी हम लोग का पूरा हो गया, कोई कुछ बचा हुआ है क्या देख लेते एक बार, कुछ नहीं पूरा हो गया।
अभी हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे, बाद में प्रॉफिट एंड लॉस, बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाद में बैलेंस शीट। तो टोटल करते हैं तो डेबिट साइड के अमाउंट, क्रेडिट साइड के अमाउंट ज़्यादा आ रही है। कितना आ रहा है, 1,63,000, इधर भी लिखेंगे 1,63,000। और डेबिट के अमाउंट कितने आ रही है, 1,24,500। तो उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 1,63,000, तो हम लोग का आया टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, 38,500। तो उसको इधर टू है, तो इधर क्या हो गया, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कितना, 38,500। फिर से हम इधर देखेंगे, टोटल करेंगे अभी, इधर आ रहा है 40,700, 40,700 क्रेडिट साइड की अमाउंट आ रही है, तो डेबिट की अमाउंट आ रही है 25,885। तो हम लोग इसमें 40,700 में से 25,885 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम लोग के पास अमाउंट कितना आ रहा है, 14,815। तो नेट प्रॉफिट कौन है, पीयूष है और अरुण ने, किधर ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो दोनों का इक्वल रेशो है, 1:1 रेशो कुछ दिया नहीं है। अमाउंट के ऊपर निकालेंगे, कैपिटल अमाउंट के ऊपर 80,000 है, मतलब रेशो निकलेगा 1:1। तो 14,815 तो आ रहा है 77,407। तो हम लोग इसको ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इधर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना अमाउंट आ रहा है, 7,407। तो दोनों का टोटल करेंगे अभी, क्रेडिट के अमाउंट ज़्यादा है और डेबिट के अमाउंट में कुछ नहीं है, तो इधर लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। जो कुछ टोटल आएगी इधर क्या होगा, कैरी डाउन होगा। लेंगे पहला पीयूष का 87,408, बाद में 87,407। अभी वैसे के वैसे अमाउंट इधर हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, 87,407 बराबर हो गया, बाद में हम लोग पूरा हो गया। अभी हम दोनों इसका टोटल करेंगे, 87,408 + 87,407 टोटल आता है 1,74,815। तो बोथ साइड टोटल करेंगे तो अमाउंट आ रहा है 2,05,315। तो अभी हम लोग का सम टैली हो गया है। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बुक में एक थोड़ा मिस्टेक हो गया है, वो एक बार देख लीजिएगा। इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट इधर 600 लिखा है, लेकिन उन लोगों ने एडजस्टमेंट में बोला है 6,000, तो एक करेक्शन कर लीजिएगा, ये 600 नहीं है, 6,000 है। थैंक यू।